में भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी पानी लग चुका है और पूरी के पूरी गेहूं की फसल गिर चुकी है। नुकसान तो नुकसान ही है दोस्तों। फसल नष्ट होगी जी, क्या करूं, मैं तो गरीब बंदा हूं। बरसात ने इतना कहर डाया है, देखियो 60,000 रुपए पे जमीन ठेके पे लिया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र। आप सबको डिम्पल आर ब्लॉक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता ही है दोस्तों कि हम अम्बाला हरियाणा में आ चुके हैं और यहाँ पे रात से ही बारिश हो रही है, खुलने की तगार पे नहीं है। आप लोग देख सकते हो अभी भी बारिश हो रही है और ऐसे ही बारिश होती रहेगी तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस समय गेहूं और सरसों की फसल पक चुकी है और ऐसे ही बारिश होती रहेगी तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा दोस्तों। जो अभी भी बारिश हो ही रही है, खुलने की तगार पे नहीं है। आप लोग देख सकते हो किसान कितना मेहनत से अपना फसल उगाता है, उसमें कितना रुपया खर्चा करता है फसल उगाने के लिए, और ईश्वर के आगे किसी का नहीं चलता है। ये हम लोग जो रोटी खा रहे हैं उसी किसान के बदौलत खा रहे हैं, और किसान फसल को नहीं उगाता तो हम लोग रोटी नहीं खा पाते। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है फसल उगाने में। जो किसान फसल उगाता है उसी को पता रहता है कि कितना मेहनत करना पड़ता है और काफ़ी पैसा भी खर्चा करना पड़ता है फसल उगाने में। इस समय बारिश का होना कोई फायदा नहीं है, तो नुकसान ही नुकसान है। बारिश चाहिए नहीं इस टाइम। पूरे 24 घंटा से ये बारिश हो रही है, अभी भी आप लोग देख सकते हो खुलने के कगार पे नहीं है, और बताया जा रहा है कि कल भी ये बारिश होगी। मौसम देख सकते हो बिल्कुल ख़राब है, तो सारी गेहूं की फसल नष्ट हो चुकी है। तेज हवाओं ने गेहूं को गिरा दिया है, जो कि किसान का बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा किसान का नुकसान हुआ है और लाइव आप लोग देख सकते हो, यहाँ किसान अपना गेहूं की फसल देख के अपना दुख व्यक्त कर रहा है, काफ़ी परेशान है क्योंकि इनकी गेहूं की फसल पूरी के पूरी नष्ट हो चुकी है। आपको कितना दुख हो रहा है ये गेहूं की फसल गिरने से? सारी फसल नष्ट होगी जी, क्या दुखी पड़ी है जी, देखियो क्या हाल कर दिया जी बरसात ने। मैं गरीब किसान हूँ, बहुत मेहनत से उगाई थी जी, मैंने तो अपनी लड़की की अगले महीने शादी भी रखी हुई है जी, बता कहाँ से खर्चा चलाऊंगा जी मैं अपना। सारी देखियो जी नष्ट कर दी बरसात ने, सारी गिरी पड़ी है जी, देखो ये देख जी दूर तक, ठेके पे वैसे ली हुई थी जी ये। दोस्तों आप लोग देख सकते हो काफ़ी दुख की बात है कि इनका सारा का सारा गेहूं की फसल गिर चुकी है और नष्ट हो चुकी है। काफ़ी लागत से ये गेहूं की फसल लगाए थे और सारा का सारा गेहूं गिर चुका है। इस टाइम बारिश का होना बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों, बारिश की इस समय ज़रूरत थी ही नहीं। काफ़ी परेशान है ये किसान अपना गेहूं की फसल देख करके, जो कि इनका पूरा का पूरा खेत गिर चुका है। आप लोग देख सकते हो थोड़ी भी गेहूं की फसल खड़ी नहीं है, बिल्कुल के बिल्कुल गिर चुकी है। ईश्वर कहेंगे किसी का बस नहीं चलता है दोस्तों, ईश्वर जो चाहेंगे वही होकर रहेगा, है ना संजू भाई? सही बात है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी पानी लग चुका है, इतना ज़्यादा बारिश हुआ है कि पानी लग चुका है, और इधर गेहूं में भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी पानी लग चुका है और पूरी के पूरी गेहूं की फसल गिर चुकी है। नुकसान तो नुकसान ही है दोस्तों, किसान बहुत दुखी है इस बारिश की वजह से, क्योंकि इस टाइम बारिश का कोई ज़रूरत नहीं था, बारिश होकर के कोई फायदा नहीं है, लेकिन ईश्वर के आगे किसी का बस नहीं चलता है, जो होना था होके ही रहेगा। आप लोग देख सकते हो